Namaste, welcome to this episode. Today is the 6th of October 2018 and I'm in Ahmedabad. I remember the last time I filmed a vlog here, that was the video of me telling you that I'm leaving Ahmedabad and it was my last day here. Bhai, bahut hi zyada sad vlog tha, sad vibes thi, ekdam cry ho raha tha. It's ajeeb because yesterday bhi cry hua, but wo cry khushi ka tha aur leaving Ahmedabad वो sad वाला cry कर रहा था. Anyways, आज के plans तो मुझे इतने पता ही नहीं है क्योंकि सब कुछ नवरात्रि का रात को decide होता है. But before that, I have to go take a bath. I have to go to Ramim's place and then we have to head for lunch. उसके बाद हम ऐसे घूमेंगे and then we have to go to my society. मेरी society में अनघा के घर में आज से रहने वाली हूँ तो 6th and 7th I'm staying over at her place. I think today and tomorrow will be super fun because I'm going to be spending a lot of time with my society वाले दोस्त एकदम से Dil bonding. Anyways, I'm gonna go take a bath. I have to be at Ramim's place by 12 and it's about 11. Oh fuck, ये क्या है? Also मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं. हम बालों के बारे में बात ही नहीं करेंगे. आज का मेरा outfit बहुत ही ज़्यादा cool है, but I forgot to get my shoes to this place. I came here in chappals. अब मैं चप्पल में तो नहीं घूम सकती हूँ. I'm gonna look for shoes with मासी. अगर मासी के पास जूते हों तो मैं वो पहन लूँगी, but अगर नहीं हो तो चप्पल गैंग is. तो अब मैं रमीम के घर पे हूँ. ये प्रथम है, ये रमीम है, और अब हम लंच पे जा रहे हैं. बट उससे पहले हम बटरकप जा रहे हैं और बटरकप में बहुत टाइम से जाना था. कमेंट सेक्शन में लिखेंगे रमीम सो प्रिटी. आउटफिट ऑफ द डे, मेरे पास जूते नहीं है तो मैं चप्पल में जाऊँगी और बाल स्ट्रेटन किया. बॉलर मानिसा. तुमको पता बैकग्राउंड में सब दिख रहा है. हम प्रथम के घर आए थे. ये प्रथम की मस्टैंग है. ध्रुव सर हमें लेके जा रहे हैं. ध्रुव हाय बोलियो, शाउट आउट दे दे खुद को व्लॉग में. ध्रुव मेरा थोड़ा सा ऐसा बेस्ट फ्रेंड टाइप सा है, थोड़ा सा तेरी मां का. मैं तेरे को कितना प्यार करता यू नो. ओ बेस सो वहां पे ऑडी R8 है. अबे जा बगा 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 ऑन बजा उसकी जोर से. ये उसकी गाड़ी है, संजय दत्त की है. हाँ, संजय दत्त की गाड़ी है. आगे संजय दत्त बैठा उसमें. उसने बेंच और बेच दी गाड़ी. अच्छा, तो अब मैं सोसाइटी आ चुकी हूँ और सोसाइटी में तो चुप करेगी. अनघा को मंदिर जाना था क्योंकि अनघा का तिथि वाला बर्थडे है. अब आप सोच रहे हो क्या होता है, तो कुछ तो होता है अपेरेंटली. ये तिथि वाला बर्थडे साउथ इंडियंस में होता है ना सिर्फ, मेरे में नहीं होता. मेरे को भी 2 बर्थडे चाहिए. हम सनसेट देखने आए थे. सनसेट तो अभी तक इतना ढंग से हुआ नहीं है, बट हम टेरेस पे हैं और एकदम ऐसी पुरानी वाइब्स वापस आ रही है क्योंकि टेरेस पे मैं बहुत घूमती थी. मैं आधे को कॉकरोच सनसेट वहाँ पे हो रहा है. बढ़िया सा. Wasn't that obvious? मलिका उस साइड ही होता है. अच्छा, let's talk about the time जब मैंने रिया को 4 चांटे मारे थे. ये मेरे सारे भाई लोग हैं. ये संस्कृति है, ये आद्या है. रिया को टांगों से पकड़ के खींच के लेके आएंगे अब हम. तो रिया और मैं एक बार बात कर रहे थे ऐसे ही और रिया ने कह दिया कि 9th की फिजिक्स कितनी इजी थी और मैंने ऐसा रैप्टर लगाया. 2 साइड इतनी बढ़िया. अभी तक याद है, करारा हाथ में बचता है. मैं लिटरली मैथ्स में मैं 27.5 पासिंग होता ना, मेरे 29 आए थे. मैंने टॉप किया था. ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम टॉप किया था. और सेकंड नंबर निकालो. ये मेरा दोस्त नहीं है. तेरे 10th में कितने हैं तेरे? 94. लेट्स टॉक अबाउट दिस. 10th में लेट्स नॉट. रिया ने पूरा साल पढ़ा था. पूरा साल लास्ट एक महीना पढ़ा था. ठीक है, मैं मलिका के साथ घूमती थी. नहीं पढ़ा था. नहीं, मलिका इधर भी नहीं. मलिका थी नहीं. रिया पूरा साल ट्यूशन पढ़ाई करती रहती थी. टेस्ट में मार्क्स लाती रहती थी. मैंने लास्ट के एक महीने में पढ़ के 94 लाई. अब तू सोच. अब तू दिमाग लगा. तू लूजर है. इसके कितने हैं? 92. चुप. 2% का बस इसने साइंस लिया है और तूने भी साइंस लिया ना इसने भी साइंस लिया है तुम सबने साइंस लिया है मेरे को पता नहीं पीसीएम है बायो और पीसीबी और ये मेरे को तो करियर काउंसलिंग और मैं इधर कॉमर्स विदाउट मैथ्स खड़ी हूं देख रहा मेरे औकात हम ऐसे घेरा बना के बात कर रहे ब्लॉग से बात कर रहे हैं हम फिलहाल रिया ऐसी थी कि वो पूरा उसके पास इमेजिनरी फ्रेंड्स थे तब मेरी बेस्टमेंट थी मैं ब्रेक आउट हो गई ये मेरी मजाक मालिका के एक तो ये ट्रेन जा रही है ना इतनी शोर कर रही है ये कहती तुझे मैं पिंच करूंगी फिर ऐसे करती है और रिमेम्बर व्हेन आद्या ने कॉन्टैक्ट्स लगा रही है तो और हम इसको बिल्ली बिल्ली बोलने जा रहे थे ग्रे थे भाई माँ कसम ऐसी चुड़ैल लग रही थी ना आद्या अभी जैसे काम लग तेरे को आता यूज करना कैमरा अच्छा तेरा भाई सिखा के गया था ना तेरे को रिमेम्बर व्हेन वी मेड अ YouTube वीडियो टुगेदर क्या क्रिंज था वो चीज भाई वो मेरे पास है देखना है नहीं मुझे नहीं देखना मैं गर्लफ्रेंड बनी थी और मलिका ऐसे करके लड़का भाई आद्या गिरा ना मत और मैं तेरे को गिरा दूंगी यहाँ से तीसरे माले से क्या कर रही है तुझे लड़का बना जैसे तू उधर बनी थी मलिका ना ऐसे कर तू रुक जा तू मेरे बाल स्ट्रेटन किए उसको कैमरा पकड़ा अब इसको मैं फेंकती हूँ यहाँ से लिखता उससे मैसेज करके लिखता कि आई रियली वांट टू मीट संस्कृति आई एम क्राइंग उसका फिर उसका बेस्ट फ्रेंड मैसेज करता वो लिखता माई ब्रो इज क्राइंग वो लिखता आई एम ओवर इट बट आई एम नॉट ओवर हर आई एम पुटिंग दिस यस यस वो भी ब्लॉग देखता होगा नहीं संस्कृति आ जाए एक बार ब्लॉग उसकी हाँ और संस्कृति आए तो वो देखेगा ना और आ रही है उसको बता दे कि ये डंडा उसके साथ तो क्या करेगी उसके प्लीज डोंट पुट दिस मैं डाल रही हूँ ये मत कर ऐसा मलिका भाई देख सुन मेरे ब्लॉग्स अच्छे तभी होंगे जब वो कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे सो ये डाल रिया में बहुत सारे ड्रायर्स देखते हैं एम आई डेविड डोब्रिक ओ मैंने तो टोपी भी पहनी है एम आई डेविड डोब्रिक शट अप नोवेयर नियर भाई दियो जरा इसकी तो मार ओ मत कर ओ ये से निकल गया भाई तो दे मैं अंदर डाल रही हूं ये बहुत कूल होता है रिटायर्ड बच्चे होते हैं ना मैं इधर सोसाइटी तोड़ने आई हूँ सोसाइटी तोड़ने मैं तताइती तोड़ने आई हूँ ये डालेगी ना अनसब्सक्राइब 0 सब्सक्राइबर्स आई एम मैं क्या गंदी मैं ऐसे टकले के देखती हूँ द कैमरा डजंट लाई संस्कृति Nobody likes me. Actually हाँ nobody likes you. तो हम अनाघा के घर पे हैं शाम को हमने डिसाइड किया कि हमें करना क्या है एंड रात का प्लान था किसी को गरबा करने का मूड नहीं था हेलो आंटी एनीवेज तो शाम को हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है एंड वी डिसाइड कि अनाघा घर पे थोड़ा खाना ऑर्डर कर लेते हैं एंड फिर अराउंड 10 बजे हमें नीचे जाना है सोसाइटी में कुछ परफॉर्मेंस हो रही है वो देखेंगे एंड फिर उसके बाद बस चिल करेंगे एंड हाय नॉर्मली भी आ सकती थी ऐसे घुसने की जरूरत नहीं थी दिस इज आज का सीन वी गॉट पेप्सी वी गॉट डोमिनोज एंड रात को अलग से सोसाइटी में खाना भी होगा हाँ तो आई गेस पाव भाजी आज पाव भाजी तो अभी हमने देखा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आ रही है टीवी पे तो आई थिंक वो देखेंगे अभी लेट्स क्रिंज टुनाइट या तो हम बस ऐसे कुर्तों में तैयार हुए हैं आज कोई किसी का घाघरा चोली का मूड नहीं है एंड स्टिल वी लुक सेक्सी एज फक तो आई थिंक मुझे अभी दूसरों की आवाज़ आ रही है तो जब वायरस भी है सी यू सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट दिस इज फ्यूचर मलिका आई एम बैक इन दिल्ली आफ्टर द शॉट दैट यू सॉ लास्ट उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया रात को एवरीबडी स्टेड ओवर एट अनघास प्लेस इन ऑल इट वाज अ क्रेजी डे एंड आई एम सॉरी आई डिडंट फिल्म अ लॉट ऐसे ही होता है जब आप अपने पुराने दोस्तों को मिलते हो आप फोन वोन व्लॉगिंग वोंग सबके बारे में भूल जाते हो एंड यू जस्ट You want to spend time with them. I know that sounds very cringy and cliche, but just fucking love these people, man. I was in the city for 72 hours and I had to make the best use of my time and also vlog. तो कुछ vlog किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ ऐसे memories हैं. But we do have another episode left of the Ahmedabad story, and that's gonna be coming up next. Thank you so much for watching this video. Like करो, comment करो, and bye subscribe भी कर दो यार. तो चलो, bye.